नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का इकोसिस्टम। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पारिस्थितिक तंत्र। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपके PBFT और PAT जैसी इंट्रेंस एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं आपके दहेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं गाइस। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही में हम आज 22 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो ये पार्ट वन है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम पार्ट वन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, झील परितंत्र होता है। ऑप्शन कृत्रिम, जैविक, प्राकृतिक या अजैविक। लैग इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल, ऑर्गेनिक, नेचर या एबियोटिक। तो ये है गाइस नेचुरल। जो लैग जो होता है उसका पारितंत्र प्राकृतिक होता है, इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ये दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के या पांच प्रकार के, देयर आर इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आंसर रहेगा गाइस इसका थ्री टाइप्स। जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, तो जिनमें से होता है संख्या का पिरामिड, और जैव भार का पिरामिड, और ऊर्जा का पिरामिड। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस ये तीनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर का निर्माण करता है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से कौन सा जीव एक परितंत्र के दो से अधिक पोषक स्तर का निर्माण करता है। ऑप्शन है फाइटोप्लैंकटन या मछली, मेंढक, मछली या जू प्लैंकटन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट मोर देन ऑन न्यूट्रिएंट लेवल इन एन इकोसिस्टम। इसका आंसर रहेगा गाइस फिश, यानी कि मछली। जो मछली होती है गाइस पारितंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों का निर्माण करती है। इसमें गाइस पहले छोटी मछलियाँ होती हैं, और उसके बाद बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो इस प्रकार मछलियों को कई कैटेगरी में डिवाइड करके पोषक स्तर बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पारितंत्र के जैविक घटक में शामिल होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र के पारितंत्र जो उसमें जैविक घटक में कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता व उपघटक। बी उत्पादक एवं उपभोक्ता, या केवल उत्पादक या केवल उपभोक्ता। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। तो ये है गाइस ए प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो तीनों ही शामिल होते हैं गाइस। जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है इकोसिस्टम में, उसमें प्रोड्यूसर, इसके बाद कंज्यूमर और डी कंपोजर, तो तीनों ही शामिल होते हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद पिरामिड जो एक पारितंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ऑप्शन जैव भार, संख्या, ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो पिरामिड विच कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन अ इकोसिस्टम। तो इसका है गाइस आंसर यहाँ पर सी, एनर्जी। जो एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड होता है, वह पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में कभी भी उल्टा नहीं बनता है, वह हमेशा सीधा बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इसके बाद वन तथा तालाब पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, तरकु आकार का। डी है सीधा एवं उल्टा दोनों परितंत्र के अनुसार। तो देयर इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द फॉरेस्ट एंड पॉन्ड इको सिस्टम। तो आंसर रहेगा इसका कि ऑलवेज स्ट्रेंथ, यानी कि हमेशा सीधा। जो वन और तालाब है गाइस, या किसी भी पारितंत्र की हम बात कर ले, उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी पारितंत्र हो, उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। इसके बाद सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होता है। ऑप्शन वन पर्वत, मरुस्थल या सागर। तो द मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम इज, तो आंसर है सागर, या सी जिसे समुद्र हम बोल सकते हैं। समुद्र का जो पारितंत्र होता है सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्न में से किसका जैव भार अधिक होता है।
तालाब पारितंत्र, झील पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र या वन पारितंत्र? तो विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट बायोमास? तो आंसर है इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो गाइस जो वन का पारितंत्र होता है सबसे अधिक उसका जीवभार होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपघटक होते हैं, ऑप्शन एनिमेलिया एवं मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं एनिमेलिया, और सी जो है कवक पादप, डी जो है जीवाणु कवक एवं सूक्ष्म जीव। तो डी कंपोजर आर, यानी गाइस जो अपघटक होते हैं वह कौन होते हैं? तो ये होते हैं कवक, जीवाणु, विषाणु या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें अपघटक या डीकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन की हम कि पारितंत्र में होते हैं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओक्योर इन इकोसिस्टम, तो आंसर है ए एंड बी दोनों, तो बोथ ए एंड बी। तो यानी कि फूड वेब और फूड चेन दोनों टाइप्स के होते हैं ओक्योर ऑफ इन इकोसिस्टम, तो दोनों ही इसमें पारितंत्र में होते हैं गाइस, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। ओके, इनके बारे में हम डिटेल से जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप वो भी देखना न भूलें। इसके बाद खाद्य श्रृंखला में कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार, तीन प्रकार, दो या एक प्रकार के? हाउ मनी टाइप ऑफ फूड चेन आर देयर? तो यह राइट आंसर इसका बी, थ्री टाइप्स। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है गैस तीन प्रकार के होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्न के द्वारा ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है, तो किसके द्वारा ऊर्जा है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है? ऑप्शन उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी जीव या मांसाहारी जीव। तो एनर्जी इंटर द फूड चेन थ्रो, तो इसका माध्यम है उत्पादक, यानी गाइस जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके माध्यम से एनर्जी जो है फूड चेन में प्रवेश करती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? ऑप्शन हर्बेरियम, उत्तम संवर्धन, उत्तक संवर्धन, वन या एक्वेरियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम? तो मानव निर्मित पारितंत्र जो है वह उसे कहते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन इकोसियर या चरम समुदाय, क्रमिक समूह या इकोटोन। तो द परमानेंट स्टेज ऑफ प्लांट सक्शन इज कॉल्ड, तो आंसर है इसका एक्सटर्म कम्युनिटी, यानी कि जो चरम समुदाय होता है गाइस उसे पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था माना जाता है। तो ये अनुक्रमण में आपको पढ़ने को मिलेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सारा आपको 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको आप, इसके लिए आपको कोई स्पेशल अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगी गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, 10%, 5%, 15% या 20%? तो गाइज इसका आंसर रहेगा 10%। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन न्यूट्रिएंट लेवल टू अनादर न्यूट्रिएंट लेवल इज, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का जो होता है प्रवाह होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की ओर कि पारितंत्र का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक की संख्या या उपभोक्ता की संख्या, या डी है उत्पादक एवं उपभोक्ता की अंतरक्रिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑन व्हाट डज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड? तो ये है इंटरेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की अंतरक्रिया जो डिपेंड करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका स्थायित्व उत्पादक एवं उपभोक्ता की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करें, जल अनुक्रमण प्रारंभ होता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ऑप्शन मरुस्थल, रेगिस्तान से या जल स्तर से या चट्टान से। तो हाइड्रोजन स्टार्ट, तो यह है गाइस बाय वाटर, यानी कि जो जल अनुक्रमण होता है जल से स्टार्ट होता है। इसके बाद पादप अनुक्रमण के पादप समुदाय के क्रमिक विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन आक्रमण, प्रतिक्रमण, अनुक्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड अटैक या प्रतिक्रमण,
या इंडेक्सिंग या नॉन ऑफ दैस। तो यह अनुक्रमण गाइस, जो पादप समुदाय के क्रमिक विकास को अनुक्रमण कहा जाता है। अगर आप देखें तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे प्राथमिक टाइप, प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीय अनुक्रमण और जल अनुक्रमण, मरु अनुक्रमण। तो ये बहुत सारे टाइप के इसमें होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, चरम अवस्था या क्लाइमेक्स स्टेज कौन सी पाई जाती है। तो अनुक्रमण के प्रारंभ से, अनुक्रमण के अंत से, अनुक्रमण के मध्य में या उपरोक्त सभी। क्लाइमेक्स स्टेज इज फाउंड इन, तो आंसर है इसका सी, एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रमण के अंत में चरम अवस्था पाई जाती है। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसके बाद ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऑप्शन उल्टा, सीधा, ए और बी दोनों, या वन परितंत्र में उल्टा बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, और ये इस क्वेश्चन को हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियोस में। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो यह स्ट्रेंथ यानी कि सीधा जो बनता है गाइस, ऊर्जा का पिरामिड इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि वन पारितंत्र में सिंह का पोषक तत्व स्तर होता है T3, T4, T2 या T1। तो द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, तो ये है गाइस T3। T3 जो होता है वन पारितंत्र में, जो लायन होता है उसका न्यूट्रिएंट लेवल होता है, और T1 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें वो जो पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ओके, T2 में जो प्राणी आते हैं जो पेड़ पौधों को खाकर अपना पोषक स्तर बनाते हैं, और T3 में जो मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाकर अपना जीवन चक्र बनाते हैं, और T4 में वे सूक्ष्म जीव या अपघटक आते हैं जो मरे हुए जानवर को अपघटित करते हैं। तो ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ द लायन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, तो T3 इसका आंसर रहेगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन कि एक खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता। तो द एंटीएल ऑर्गेनिज्म इन अ फाउंड फूड चैन आर, तो ये है गाइस फोटोसाइनेथिक। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं। तो गाइस, आई होप आप को वीडियो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस ना कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।